यस, नाइन्थ क्लास। कल मैंने आप लोगों को बताए थे क्वेश्चन कहां तक पहुंच गए थे। अपन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए, तीसरा, सॉरी, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तीसरा आज बताता हूं आप लोगों को। इसमें क्या दे रखा है, देखिए, एक पार्क है, ठीक है ना। उस पार्क में एक दीवार है, उस दीवार पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये लिखा हुआ है। और पार्क की जो दीवार है उसकी जो शेप है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। त्रिभुज की लंबाई की, ये जो आप लोगों की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, एक तो 11 मीटर है, एक 15 मीटर और एक 6 मीटर है, ठीक है ना। फिर आगे क्या दे रखा है, यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर हैं, तो रंग से पेटे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये त्रिभुजाकार हो गया, तीनों भुजाएं अपने पास में है, इसका मतलब अपन हीरोन का सूत्र काम में लेंगे। तो देखिए यहां क्या आएगा, पहले अपन निकालेंगे एस। एस बराबर होगा 11 प्लस 6 प्लस 15 और बटे में कितना, 2। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 15 और 6 21 और 11 32, 32 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 16। ये तो ऐसा आ गया। अब आप लिखेंगे हीरोन सूत्र से, हीरोन सूत्र से क्या होता है, देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट में कितना, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले आपको सूत्र लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए क्या है, एस का मान कितना है अपने पास में, 16, तो 16 लिख दो। फिर इसके बाद में 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6, फिर 16 माइनस 15, 16 माइनस 15। अब इसको हल करेंगे, देखिए ये तो आ गया 16 शुरू में, अब 16 में से 11 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए ये तो 16 है, ये तो 4 का वर्गमूल, मतलब इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये 5 है ही, 10 को मैं 5 गुणा 2 लिख दूं और गुणा में 1, ठीक है ना। अब आप देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो 16 का तो आ गया 4, 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 बाहर ले लो, और अंडर रूट में कितना आ गया, 2, तो ये आ गया आपके 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर, 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। तो इस भाग का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया आपके, 20 अंडर रूट 2 वर्ग मीटर। तो ये है आपके सवाल नंबर कौन सा हो गया, तीसरा। अब आते हैं अपन चौथे सवाल पे, तो चौथा सवाल क्या है वो देखिए आप लोग, चौथे सवाल में क्या दिया है, वैसे मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर भी आप लोगों को एक उदाहरण इसी तरीके का मैंने आपको बताया था, ध्यान दिया हो तो आप लोग ये आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए चौथा सवाल क्या है, इसमें आपको दिया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं अपने को दे रखी है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया चौथा, दो भुजाएं दे रखी हैं, कितनी कितनी है ये, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तथा उसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर, परिमाप बराबर है 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को परिमाप दे रखा है, दो भुजाएं दे रखी हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर तीसरी भुजा निकालनी है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा, तीसरी भुजा देखिए क्या आएगी, परिमाप में से यानी 42 में से इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके अपन घटा देंगे, 10, 18 और 10 को, 18 और 10 28 हो गए, 42 में से 28 गए तो कितना आ गया ये, 14 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। ये तो आ गया त्रिभुज की तीसरी भुजा। अब आप लोग क्या करेंगे, पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर आगे आपकी तीनों भुजाएं आ गई तो हीरोन का सूत्र लग जाएगा। अब हीरोन सूत्र से पहले s बराबर कितना आएगा, देखिए परिमाप कितना है 42, 42 में 2 का भाग दे दो तो ये आ गया आपके 21 सेंटीमीटर, ठीक है।
इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर आएगा अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना। अब इसके अंदर मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो देखो बताओ बराबर में क्या आएगा, अंडर रूट एस का मान देखिए कितना है, अर्ध परिमाप कितना है, देखिए यहां पर परिमाप कितना है, अर्ध परिमाप है 21, 21 कोष्टक में कितना आया, पहले भुजा कितनी 18, तो 21 माइनस 18, दूसरी कितनी है 21 माइनस 10, तीसरी कितनी है अभी निकाली अपन ने 14, तो 21 माइनस के 14, ठीक है ना। पहले इस तरह लिख दो, अब आप देखिए ये तो 21 आ गया, फिर 21 में से 18 गए तो 3 बच गए, 21 में से 10 गए तो 11 बच गए, 21 में से 14 गए तो 7 बच गए। अब आप देखिए ये 7 * 21 और ये भी 21, यानी 21 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 7 फिर ये 3 × 11 × 7। अब आप देखिए 3 2 बार है तो 3 का जोड़ा बन गया, 7 2 बार है 7 का जोड़ा बन गया और अंडर रूट में 11 रह जाएगा, तो मतलब बार क्या आएगा 3 × 7, 3 × 7 तो बार और अंडर रूट में कितना 11, तो कहने का मतलब ये आ गया 21 अंडर रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों के सवाल नंबर कौन कौन सा, तीसरा और चौथा पूरा हो गया है। कल आपके लास्ट सवाल बचेंगे जिसमें आप लोगों के जो कोर्स में है फिर इरोन का सूत्र है उसके ऊपर आधारित सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद।